बने हैं इंडियन ओरिजिन, और इससे पहले भी जो उनके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट थे वो भी इंडियन ओरिजिन थे। अमेरिका की नासा कंपनी के चीफ ऑफ हेड बन गए गाइस एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला शख्स। क्या वजूहत है कि हर एक सेक्टर के अंदर इंडियन दुनिया को लीड कर रहे हैं? अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियन ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल? पर देखो आप लोग, मैं क्या इसकी बात करूं, ठीक है अच्छी बात है वो लोग कर रहे हैं प्रोवाइड, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो लोग अपने बच्चों को जो है वो पढ़ा लिखा के उनकी बेस बनाना चाहते हैं ताकि मैट्रिक तक आके उनकी बेस बन जाए। अब हम क्या करें, पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड कर रहा तो नहीं कर रहा, क्या कह सकते हैं? मैट्रिक में भी शुगर करें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सारा कुछ, अगर मैट्रिक में भी प्रोवाइड ना किया जाए तो क्या कर लेंगे आप? कितने को डिपार्टमेंट, कितने को डिपार्टमेंट है स्पेस के आपकी यूनिवर्सिटीज में? एक यूनिवर्सिटी है शायद इस्लामाबाद में एरोनॉटिक भी उनकी एयर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो नहीं चाहते हम लोग स्पेस पे जाना, नहीं चाहते। वाई इंडियन सर, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी बाहर जाकर सिर्फ और सिर्फ लेबर्स की जॉब ही क्यों करते हैं? क्या हम सीओस लेवल पे, क्या हम प्रेसिडेंट लेवल पर काम नहीं कर सकते? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि सारे वर्ल्डली लेवल पे इंडियंस हों या कोई और मुल्क के हों, वो दुनिया के एतबार से जो है ना, आप देखिए कि उनको अल्लाह ताला ने यहाँ दिया हुआ है। अ मैन फील्स वेरी प्राउड कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, लेकिन एज अ मुस्लिम आई फील मोर प्राउड कि मैं आलिम दीन बन गया हूँ या मैं मुफ्ती बन गया हूँ। तो एज अ बींग अ मुस्लिम फर्स्ट एंड अ पाकिस्तानी सेकेंड, आई एम मोर प्राउड कि मैं यूएस से यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरे बच्चे भी यहाँ दीनी तालीम हासिल करते हैं। बहुत वहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी कंपनी, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गई, आपके बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स हो गए, वहाँ की ट्रकिंग कंपनीज आर ओन्ड बाय पाकिस्तानीज। सो मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा। देखिए पाकिस्तानीज आर बॉर्न लीडर्स। हम बिजनेसेस ओन करते हैं, इंडियंस हमारे लिए जॉब करते हैं, ठीक है। मुलाजिम में और मालिक में बहुत फर्क होता है, तो मैं आपके चैनल के लिए ये जरूर कहूंगा कि एज पाकिस्तानी हम वो पैथ बनाते हैं जिस पे दूसरे फॉलो करते हैं। तो आई एम अ प्राउड सर। सर कोई एक बड़ी कंपनी का नाम ले ले जो हमने बनाई और हमारे पास इंडियंस जॉब करते हो। जी आपके यहाँ पे अपना केपीके के अपना आपने सुना होगा सर आजम खान सुवाती, बहुत बड़ी उनकी ऑयल कंपनी है पाक ऑयल, एंड दैट्स इन बोमांट टेक्सास, यू गाइस कैन लुक इट अप ऑनलाइन। और मैं उस कंपनी से रहे, उनका फ्यूल ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, आई ओन अ ट्रकिंग कंपनी देयर। तो वी आर लीडर्स, और मेरे लिए मेरे आईटी डिपार्टमेंट में इंडियंस 30-40,000 डॉलर पे जॉब करते हैं। कंट्रोल कंट्रोल देखते हैं तो एक कंपनी की बात हुई ना सर, अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन लेवल के अंदर सर प्रेफरेंस क्यों मिलती है? अभी मैंने खाली आपने की अमेरिका की बात, अब हम करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं सर। मिडिल ईस्ट के अंदर 60% इंडियंस ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वहां पर अगर इंडियन जाए तो फ्री, पाकिस्तानी जाते हैं तो आपके पास भाई 500 आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए, 5000 रियाल आपके अकाउंट में होने चाहिए, देन आपको एंट्री मिलेगी यूएई के अंदर। ये क्या सीन है सर, हमारे 24 सिटीज को भी सिटीजन को भी बैन किया हुआ कि आप दुबई नहीं आ सकते, आप यूएई नहीं आ सकते, इसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन इंडियंस फ्री जाते हैं। देखिए मेरा मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? आप कोई भी ऐसा शोभा उठा लें जिसके अंदर आपको कहें कि जी बिजनेस है इंडियंस है, ठीक है। मैं यूएई में होता हूँ तो वहाँ पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लूलू नाम है उसका, उसका जो ऑनर है वो कुछ टाइम पहले तक, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ, कुछ टाइम पहले तक हमें कहा जाता था इंडिया इसलिए दुनिया में वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के वो नॉन मुस्लिम है, वो यहूदी उन्हें सपोर्ट करते हैं ये वो। यूएई में अगर सबसे बड़ा जो आपने बोला है ग्रुप है वो इंडियन का, तो वो फिर इसका मतलब वो जो ये तो ऐसा तो तसल्ली देने वाली बात है, अपने दिल को कह जी हाँ जी हम सही कह रहे हैं वो गलत है। जो इंसान खुद कुछ कर सकता नहीं है वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इस तरह की बातें करता है। एजुकेशन और इससे रिलेटेड कोई
इन्फॉर्मेटिव कोई वैल्यूएबल चीज को आगे लेकर आए। ये स्टूपिड वीडियो सुनाकर फेमस हो जाना और ये सब, इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ। हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन को, अपनी वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट करें ताकि हम वर्ल्ड वाइड हम भी पहचाने जाए और डिफरेंट कंट्रीज हमारे पाकिस्तान में से भी सिलेक्ट करें अपने लिए नुमाइंदे और सब कुछ। लेकिन हमारे बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि स्पार्क को तब का नहीं पता, इन साल की स्पार्क है वो तो हमारे सिलेबस में भी इंक्लूड नहीं की जाती है। अगर हिस्ट्रो की बात की जाए तो वो सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइमरी मिडिल लेवल पर भी वो पढ़ाई जा रही है। तो फिर मतलब स्टूडेंट को इंटरेस्ट कैसे आएगा इन चीजों के?